तो कल अपन ने ITF में उसके बेसिक फंक्शंस के डोमेन रेंज और उसका ग्राफ्स वगैरह देख लिए, वो आपने स्टडी कर ली है? चलो, तो उस पे उनमें एक बात आपने ऑब्जर्व करी होगी कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स है ना। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनका जो डोमेन था, सॉरी जो रेंज था, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो क्या थी? -π/2 से π/2 थी क्लोज। बेटा ये म्यूट कर लो है ना। और टेन इनवर्स एक्स की क्या थी बेटा? -π/2 से π/2 ओपन थी। और कॉसेक इनवर्स की थी -π/2 से π/2 जिसमें से एक जीरो एलिमिनेट किया गया था। इन तीनों की रेंज -π/2 से π/2 थी। आपको ये बात समझ में आ गई? तो -π/2 से π/2 मतलब -π/2 से π/2 ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खेलते हैं, ठीक है ना। इनका जो दायरा है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खेलते हैं। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये तीन फंक्शन फर्स्ट और फोर्थ में गेम करते हैं अपना। इसको ध्यान रखें, क्यों? इसकी वजह से अपन कई सारी प्रॉपर्टियों को याद इजीली रख पाएंगे, है ना। ब्लाइंडली हमें रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो बेटा तीन बाकी वाले हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या थी? क्लोज 0 से पाए। इसकी रेंज क्या थी कॉट इनवर्स की? ओपन 0 से पाए। और इसकी क्या थी? क्लोज 0 से पाए में से π/2 हटा दिया था, मतलब सभी 0 से पाई के बीच में दौड़ रहे थे। तो 0 से पाई मतलब कि यहां से यहां तक, मतलब इनकी दौड़ कहां तक है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, ये तीन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में खेलते हैं और ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खेलते हैं, सही है। मतलब इनसे जो आंसर आएगा वो फर्स्ट और फोर्थ में आएगा, इससे जो आएगा वो फर्स्ट और सेकंड में आएगा। कोई परेशानी इसमें? चलो, तो इस पॉइंट को ध्यान रखें, इंपोर्टेंट बना के, ठीक है। अब अपन आगे बात शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ कि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन में वो यूज कैसे होगा, ठीक है। तो अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की डेफिनेशन को एक बार दोबारा से देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या है? साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज साइन वैल्यू इज थीटा, सॉरी एक्स, साइन वैल्यू इज एक्स। ये इसका मतलब होता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की शुरुआत यहीं से होगी, आपको ये एंगल्स तो समझ में आने ही चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब है कि वो एक एंगल है। साइन इनवर्स एक्स क्या है बेटा? एक एंगल है जिसके साइन की वैल्यू, मतलब जिसका साइन लेने पे वैल्यू एक्स आती है, ये वो एंगल है, ठीक है। हमेशा बार बार अपने दिमाग में ये डेफिनेशन दोहराओ कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है जिसके साइन लेने पर वैल्यू एक्स आएगी। अब आप सोचो कि अपन को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करनी है, इसके अलावा तो कोई एंगल सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसका आउटपुट फर्स्ट और फोर्थ के बीच में ही आता है। अब आप बेटा ये सोचो, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी साइन वैल्यू हाफ आती है? π/6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? π/6। बात समझ में आई आपको? क्योंकि साइन π/6 इक्वल्स टू हाफ होता है, तो साइन इनवर्स हाफ कितना होगा? π/6। क्लियर है भाई?
जैसे उसमें अल्फा रखने पे बीटा आता है, इसमें बीटा रखने पे अल्फा आएगा, तो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं कि टी इनवर्स एक्स, टी मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, यहां पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कि टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल, टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज टी वैल्यू इज, टी वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स, इज इक्वल्स टू एक्स। आपको तो बस ये डेफिनेशन याद रखनी है, कभी भी आपको कोई दर्द नहीं होगा इसमें कि यार हाँ इसका आंसर कैसे बताना है। बहुत से लोग कंफ्यूज घूमते रहते हैं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। टी इनवर्स एक्स एक एंगल है जिसकी टी वैल्यू एक्स है, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझें कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अपन कोई वैल्यू रखते हैं थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम क्या रखते हैं, एंगल रखते हैं, जैसे कि साइन पाई बाई सिक्स, और इसकी वैल्यू कुछ आती है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू है ये। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम एंगल रखते हैं और उसकी कोई वैल्यू आती है। तो यहां क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के अंदर हम वैल्यू रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के अंदर एक वैल्यू रखेंगे जो एक एंगल के बराबर होगा। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि टी इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल है जिसकी टी वैल्यू क्या है, एक्स है, सही है। तो साइन इनवर्स हाफ क्या है, एक एंगल है जिसकी साइन वैल्यू क्या है, हाफ है। तो कौन सा एंगल है, वो पाई बाय सिक्स है। बोलो सबको क्लियर है ये डेफिनेशन? हाँ भाई बेटा, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा कि टी इनवर्स एक्स एक एंगल होता है जिसकी टी वैल्यू एक्स होती है, दैट्स इट। अब वो एंगल क्या है, देखो अब उल्टा सोचो, अगर मैं बोलूं आपसे साइन फाइव पाई बाय सिक्स क्या होता है, तो भी आंसर हाफ होता है। लेकिन साइन इनवर्स हाफ फाइव पाई बाय सिक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में ही रहता है, तो आपको उसी क्वाड्रेंट के बीच का एंगल देना है जो उसकी रेंज है जो हमने याद करी है। इसीलिए आपको बताया है कि साइन टेन कोसेक फर्स्ट और फोर्थ मतलब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच, और ये जीरो से पाई के बीच, बस वही एंगल देना है। कल को किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर फाइव पाई बाय सिक्स क्यों नहीं दिया कल को, क्योंकि आपको याद होना चाहिए हमने माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू का पीस कट करा था, बस उसी के बीच ही आंसर आएगा। क्लियर है सबको? चलो ये मैं मिटा दूं। चलो तो अब मैं कुछ वैल्यू दिख रहा हूं, आप खुद ही ट्राई करें क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आती है और बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल गई। तो मैं कुछ वैल्यू दिख रहा हूं, आप ट्राई करें, फिर अपन उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कोसेक इनवर्स माइनस टू बाय रूट थ्री, सेक इनवर्स टू, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, टैन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू, साइन इनवर्स पाई बाय टू, कॉस इनवर्स पाई, साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स, टैन इनवर्स पाई बाय थ्री, सेक इनवर्स वन बाय थ्री, साइन इनवर्स वन बाय थ्री। हाँ भाई कुछ वैल्यूज हैं ऐसी रैंडम प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप समझ जाएं बेसिक इसका क्रक्स क्या है चैप्टर का, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक फंडामेंटल सी चीज है,
जो आपको बोर्ड में भी ऑब्वियसली आनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो चैप्टर ही नहीं शुरू होगा ना जब तक अपन को यही नहीं पता कि टी इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो हम कैसे बताएंगे। तो बेटा अब देखो वापस से, जिनको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता रहा हूं, कोसेक इनवर्स माइनस दो बटा रूट थ्री एक एंगल है जिसकी कोसेक वैल्यू कितनी है, माइनस दो बटा रूट थ्री। तो आप उल्टा सोचो, कोसेक वैल्यू माइनस दो बटा रूट थ्री है, मतलब साइन वैल्यू माइनस रूट थ्री बटा दो है। और ऐसा कौन सा एंगल है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच जिसमें साइन की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाय टू है, माइनस पाई बाय थ्री। बस तो इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाय थ्री। सही है, बोलो सही है। चलो अगला है सेक इनवर्स टू। तो ऐसा कौन सा एंगल है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जिसमें सेक की वैल्यू टू है, मतलब कोस की वैल्यू हाफ है, मतलब एंगल पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री। सही है। कौन सा एंगल है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जिसकी कोट की वैल्यू माइनस रूट थ्री है? अब देखो हो गई ना गलती, हो गई ना, कोट की औकात क्या है, जीरो से पाए, तो सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा बेटा, फोर्थ में नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं माइनस पाए बाय सिक्स, वो गलत है क्योंकि कोट इनवर्स की औकात जो है वो जीरो से पाए के बीच खेलता है। अभी बताया मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में ही खेलेगा वो, फिर माइनस, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा। आप देखो ऐसे सोचो, आराम से सोचो, बेसिक ट्रिको आपको आना चाहिए जो इलेवेंथ में पढ़ा है कि कोट थीटा माइनस रूट थ्री है। अब पहले तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में होता है? तो मतलब आंसर पाई बाय टू से पाई के बीच में आएगा। फिर दूसरी बात आप ये सोचो कि कोट माइनस रूट थ्री है, मतलब टेन माइनस वन बाय रूट थ्री है। तो टेन वन, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, टेन पाई माइनस थीटा। तो आंसर क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स। बोलो सब एग्री करते हैं इस पे? अदरवाइज एक मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, बहुत आसान है। उसको आप क्या करो, आप नेगेटिव भूल जाओ, हालांकि अभी वो प्रॉपर्टी आएगी दो मिनट बाद, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों है। पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, पॉजिटिव वाले आंसर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो हम आसानी से बता देते हैं। साइन टेन और कोसेक में नेगेटिव एंगल नेगेटिव आएंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आएगी, कोस में, कोट में और सेक में जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आंसर जो आएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो पता है आप क्या करो, आप माइनस को भूल जाओ, प्लस वाला एंगल निकाल लो, उसको पाई में से घटा दो। जैसे मान लो ये टेन इनवर्स, ये कोट इनवर्स माइनस रूट थ्री है, तो माइनस को भूल गए। अब सोचो कोट इनवर्स रूट थ्री क्या होता है, पाई बाय सिक्स होता है। yes, उसको पाई में से घटा दो तो आंसर फाइव पाई बाय सिक्स आ गया। yes, बोलो yes, सही है। मान लो अपन कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू। अब आप सोचो कॉस में नेगेटिव आ रहा है तो आंसर तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस को भूल जाओ, तो रूट थ्री बाय टू कितने पे आएगा कॉस में, तो पाई में से पाई बाय सिक्स घटा दो, आंसर आ गया फाइव पाई बाय सिक्स। सही है। टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री का क्या आएगा, पाई बाय सिक्स। सही है। साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू का क्या आएगा, पाई बाय थ्री। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब बताओ साइन इनवर्स पाई बाय टू क्या होगा, नॉट पॉसिबल।
वन नहीं होगा क्या? वन हाँ चलो बहुत अच्छे, वन नहीं होगा क्योंकि पाई बाय टू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है? 1.5 के आसपास है। yes, sir. और साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो माइनस वन से वन होता है। yes, sir. तो वन से बड़ी वैल्यू तो अपन रख ही नहीं सकते, इसलिए बेटा ये क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड सही है। कॉस इनवर्स पाई क्या होगा? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स क्या होगा? हाँ तो ये डोमेन में तो है ना पाई बाय सिक्स। तो क्या इसका आंसर हाफ होगा? हाफ हाफ नहीं होगा बेटा। हाफ के लिए तो आप बेसिक डेफिनेशन सोचो कि साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स एक एंगल है जिसकी साइन वैल्यू पाई बाय सिक्स है। मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन लेने पे पाई बाय सिक्स आता है? हमें तो पता ही नहीं। yes, sir. है ना, ऐसा नहीं बोलना इसका आंसर हाफ। आप तो अगेन बेसिक से सोचो, साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स इज एन एंगल हुज साइन वैल्यू इज पाई बाय सिक्स। तो साइन थीटा बराबर पाई बाय सिक्स है, तो पाई बाय सिक्स कौन सी वैल्यू पे आता है हमें नहीं पता, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। बस आपको बताया था ना मैंने परसों भी, इनवर्स में ऐसे लिखते हैं एंगल। ये साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स है। क्लियर? यस सर। टेन इनवर्स पाई बाय थ्री पॉसिबल है, तो बस टेन इनवर्स पाई बाय थ्री लिख दो इसको। सेक इनवर्स वन बाय थ्री अनडिफाइंड, क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन है वो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट होता है, तो वन बाय थ्री तो इसके डोमेन में आएगा ही नहीं। ऐसा कोई एंगल होता ही नहीं है दुनिया में जिसकी सेक वैल्यू वन बाय थ्री हो, क्योंकि सेक की रेंज आपको पता है माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, वन से इनफाइनाइट होती है। क्लियर है भाई? और ऐसे ही साइन इनवर्स वन बाय थ्री एज इट इज साइन इनवर्स वन बाय थ्री। हाँ बेटा क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, सबको क्लियर है, मिटा दूं? चलो ठीक है। तो ये अपन ने बेसिक इसकी डेफिनेशन देख ली, अब अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे। जैसे मान लो आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3π/2 दे रखा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और सेकंड पार्ट x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 माइनस 3 अपॉन x की पावर 101 प्लस y की पावर 101 प्लस z की पावर 101। हाँ जी कौन बोल रहा है? हाँ कौन बता रहा है? पुनीत। सही है भाई। तो आप ये देखो, अपन को पता है बेटा साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय टू है। ऐसे ही साइन इनवर्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी होगी? पाई बाय टू। ऐसी मैक्सिमम साइन इनवर्स जेड की वैल्यू भी कितनी होगी? पाई बाय टू। तो जब ये तीनों मैक्सिमम 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 होंगे तब जाके 3π/2 होगा। इट मींस दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन
एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वन, तीनों वन होंगे तभी तो तीनों की वैल्यू पाई बाई टू आएगी। सही है, ये किसकी आवाज आ रही है, म्यूट करो अपना। हाँ भाई यहां से सही है बेटा, एक्स वाई जेड बराबर वन आ गया, तो बस यहां से वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस वन थ्री आ जाएगी। इसकी क्या आएगी, वन प्लस वन माइनस थ्री अपॉन वन प्लस वन, तो ये आ गई आपकी थ्री माइनस वन टू आई, जीरो थोड़ी आई बेटा। हाँ जी पुनीत जी, आप जीरो कह रहे थे बेटा, टू आ रही है ना। मैंने माइनस एट दे लगा मेरे को। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ये क्लियर है सबको। नोट कर लो जल्दी, फिर इसको मिटाएं और फिर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें दो तीन। चले मिटा दूं इसको। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, है ना। तो इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले अपन दो तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो बहुत ही बेसिक है और जो हर छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी यूज हो जाती है, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। पहले उनको पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा कोई हाईफाई भी नहीं है, एकदम सिंपल सी है और लॉजिकली हम ग्राफ से समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आएगी वो है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स सॉरी कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स है। क्योंकि बेटा आपको पता है ना ये तीनों ओड फंक्शन थे, बोलो। कल हमने ग्राफ बनाए थे, ये साइन का था, ये टेन का था, है ना, और ये कॉसेक का था। ठीक है ना, तो तीनों फंक्शन जो आपके थे वो क्या थे, ओड फंक्शन थे, इसलिए इनमें माइनस बाहर आ जाएगा। बोलो सही है। लेकिन कॉस इनवर्स में ऐसा नहीं होगा। देखो कॉस इनवर्स की बात करें अगर अपन, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये पाई है, ये पाई बाय टू है, ये जीरो है, ये वन है, ये माइनस वन है। लेकिन अब एक चीज देखो, इसके ग्राफ में भी एक खूबसूरत बात क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक है, दिख रहा है आपको। अगर मैं थोड़ा इसको चलो बड़ा करके बता देता हूं, साइड में समझा देता हूं कि मान लो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये वन है, ये माइनस वन है, ये पाई बाय टू है। अगर मान लो मैं इससे थोड़ा इधर गया, यहां जो वैल्यू है तो ड्रॉप कितना आएगा वैल्यू का, इतना आएगा। और अगर थोड़ा इस पे इधर गया, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो जो वैल्यू में जंप आएगा वो जंप और वो डिक्रीमेंट, ये दोनों सेम होंगे। एक बात बताओ भाई, पाई बाय टू से जितना ऊपर जा रहा हूं राइट में, पाई बाय टू से उतना ही नीचे आ रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है आपको। Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस इन ये वाला गैप क्या होगा, ये वाला हाइट कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू में से पाई बाय टू घटा दो, तो ये वाले एरो की लेंथ आ गई इज इक्वल टू, इस एरो की लेंथ क्या होगी, पाई बाय टू में से कॉस इनवर्स एक्स घटा दो। बोलो
सही है बेटा, अगर मैं कह रहा हूं कि पाई बाय टू से एक्स इधर गए तो जो वैल्यू यहां से कम होगी ना, यहां से कम होगी, तो ये जो वैल्यू कम होगी, और अगर मैं इससे एक्स इधर जाऊं तो जो वैल्यू बढ़ेगी, ये दोनों सेम है। तो माइनस एक्स पे वैल्यू क्या है, ये वाली हाइट, तो इस वाली हाइट में से अगर पाई बाय टू घटा देंगे तो ये वाले एरो की लेंथ आएगी। यस सर। और राइट में ये वाले एरो की लेंथ होगी पाई बाय टू में से ये वाली हाइट घटा दो, विच इज कॉस इनवर्स एक्स। यस सर। तो बस यहां से क्या आ गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि इनके अंदर जब नेगेटिव आ जाता है, अगर आपको डाउट होता है एंगल सोचने में, तो तुम ऐसा करो माइनस को भूल जाओ, पॉजिटिव वाले एंगल की वैल्यू निकाल लो, उसको पाई में से घटा दो, तो आंसर सेम आएगा। तो समझ में आ गया क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू है आप उसको पाई माइनस पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हो। अरे मैंने जो कुछ बोला अभी वो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, समझ में आया नहीं आया? हाँ, पाई में से घटाने से इसलिए आंसर आता है क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। देखो अगर आपको कोई प्रूफ रूम में दिक्कत आए, अगर आपको लगे कि नहीं यार हमारे हमें नहीं समझना, तो आप बोल देना, अपन सीधा प्रॉपर्टी रट के आगे भी चल लेंगे, ठीक है ना, अपने कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली बेटा कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, ये भी होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, ये भी होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सही है? तो ये याद रखना, जो तीन फंक्शन ओड हैं उनमें माइनस बार आ जाता है, जो बाकी तीन है वो पाई में से घट के आ जाएंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वो है सेकंड वाली कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय टू होता है, ठीक है। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक्स की वैल्यू हाफ रखी, एक्स की वैल्यू हाफ रखी तो साइन इनवर्स हाफ क्या होगा भाई, पाई बाय सिक्स होगा। और कॉस इनवर्स हाफ क्या होगा, पाई बाय थ्री होगा। और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, पाई बाय टू आएगा, नहीं आएगा? Yes, करने करने को इसका मैं सब्जेक्टिव प्रूफ भी अभी करवा सकता हूं, लेकिन वो प्रूफ को करने के लिए उसमें प्रॉपर्टी नंबर फोर और फाइव यूज होगी, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूं। पहले फोर और फाइव समझ ले, उसके बाद आपको अगर इच्छा हो तो अपन कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी प्रूफ कर रखा होगा, लेकिन उसमें टी इनवर्स ऑफ टी वाली और टी ऑफ टी इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज यूज होंगी, जो थोड़ी क्रिटिकल है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो पहले मैं जरूरी जरूरी है जो हल्की हल्की प्रॉपर्टियां, उनको आपको इलस्ट्रेशन से, ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इसमें हम ध्यान रख पाए हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, वेरी गुड, है ना, क्योंकि डोमेन के अंदर से बाहर थोड़ी चला जाएगा, ये एक्स माइनस वन के वन ही होना चाहिए। अगर कल को तुम ऐसे सोचो कि साइन इनवर्स थ्री प्लस कॉस इनवर्स थ्री को आप पाई बाय टू थोड़ी लिख दोगे, ठीक है? यस सर। क्योंकि डोमेन में होना चाहिए। तो ये है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की। सिमिलरली दूसरी किसमें आएगी, टैन और कॉट में, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड थर्ड वन इज सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इनफाइनाइट। हाँ भैया, ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर है आपको? यस सर। यस
सर। चलो नोट कर लिया आपने? यस सर। चलो कर लो जल्दी से फिर। बिटा दे बेटा। यस सर। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि कॉसेक इनवर्स 1/x, सॉरी या x ले लो की बात है, क्या होगा आपका साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, आप उल्टा भी लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x, वो तो एक ही बात है। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से, सॉरी x belongs to माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट के लिए। ठीक है ना, सही है। और दूसरी डेफिनेशन, जैसे इसका एग्जांपल भी अभी अपन ने करा ही था, जैसे मान लो कॉसेक इनवर्स 2/√3 है तो भी तो वो पाई बाय 3 आता है, और अगर मैं बोल रहा हूं साइन इनवर्स √3/2 है तो भी कौन सा एंगल है, वो भी पाई बाय 3 आता है। तो दोनों में कोई फर्क है क्या? नो सर। तो अगर आर्ग्यूमेंट रेसिप्रोकल हो तो साइन और कोसेक में वैल्यू सेम होती है। सिमिलरली कॉस और सेक में भी यही होता है, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x है, क्योंकि x इसके हिसाब से माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट होगा और उसका रेसिप्रोकल जीरो से माइनस वन से वन के बीच में हो जाएगा, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब तीसरी बात, कॉट इनवर्स वन एक्स, कॉट इनवर्स x है ना, इस पे स्टार लगा लेना क्योंकि अपन भूल जाते हैं अक्सर, इसमें दो केस बनेंगे। ये हमेशा tan इनवर्स 1/x के बराबर नहीं है। ठीक है, आप पहले एग्जांपल से समझें फिर ही आपको पिक्चर समझ में आएगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि cot इनवर्स 1/√3, कौन सा एंगल ऐसा है जिसमें cot इनवर्स की cot की वैल्यू 1/√3 आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पाई बाय 3 आती है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि tan इनवर्स √3, तो भी तो आप यही सोचोगे कि ऐसा कौन सा एंगल है जीरो से पाई बाय 2 में जिसकी tan की वैल्यू √3 है, तो आंसर क्या आएगा? पाई बाय 3। तो दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा सोचो, मान लो cot इनवर्स के अंदर है -1/√3, तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू कॉट लेने पे -1/√3 आती है? अभी मैंने सिखाया था नेगेटिव को भूल जाओ, पाई में से ये घटा दो तो पाई बाय 3 तो कितना आएगा? 2π/3। और अगर tan इनवर्स की बात करोगे तो -√3 इसका रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू -√3 आती है tan की? -π/3। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? तो फर्क क्या है, फर्क क्या है इसमें? अगर पाई जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। उसका लॉजिक भी समझो, मैंने आज चैप्टर, आज का लेक्चर शुरू होने में जो सबसे पहला पॉइंट बताया था उसको समझो बेटा, कि टेन का खेल यहां चलता है
और कोट का खेल यहां चलता है, तो कोट यहां नेगेटिव है और टेन यहां नेगेटिव है, तो यहां से यहां पहुंचाने में उसमें पाई ऐड करना पड़ेगा हमें, सही है? तो कोट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स वन बाय एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव है, लेकिन जब एक्स नेगेटिव है तो टेन इनवर्स वन बाय एक्स के अंदर हमें पाई जोड़ना पड़ेगा, ये होता है फॉर्मूला, सही है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, ठीक है, जीरो नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में, बोलो याद रह जाएगी बेटा ये बातें? यस सर। तो मैं दोबारा से फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, माइनस वाली प्रॉपर्टी में साइन टेन कोसेक में मुंह फाड़ के माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट कॉस और कोसेक में, कॉट कॉस और सेक में पाई माइनस करके आएगा, फिर सम पाई बाय टू वाली तीनों के लिए वैलिड है, साइन और कोस का जोड़ा, टेन और कोट का जोड़ा, सेक और कोसेक का जोड़ा, फिर जो तीसरा है इसमें रेसिप्रोकल और उसमें एंगल्स हो तो वैल्यू सेम रहती है साइन कोसेक में सेक कोस में, बट कोट और टेन में लफड़ा रहता है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तब तो सही है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो टेन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहां से टेन वाले में पाई जोड़ेंगे, अगर इसको इधर लिखेंगे तो यहां माइनस पाई आ जाएगा कि कोट वाले में से पाई घटाएंगे, वो एक ही बात है, सही है? बोलो। हाँ, तो मैंने बेटा पूरी आपको लॉजिकली समझा दिया है, इससे आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी, हमें ब्लाइंडली ऐसे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि हाँ बस होता है ये, ठीक है, उस लॉजिकली आप कनेक्ट कर पाओगे। अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, फिर बाकी बात बाद में करें, तो इसको रब कर दूं? यस सर। चलो आप ट्राई कर सकते हो, है ना, मैं दो चार पांच क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं, फिर एक साथ डिस्कस करूंगा। सही है। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई चाहिए और है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स अलग अलग नहीं चाहिए, हमें सम चाहिए, तो
तो मैं इसी इक्वेशन में साइन इनवर्स एक्स को लिख दूंगा पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई को लिख दूंगा पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री। तो बस इसको उठा के उधर लेके, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पाई माइनस टू पाई बाय थ्री, दैट इज योर पाई बाय थ्री। हमें सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? चलो अगले का देखो, उसने कहा वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स बता दो। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि दो केस होते हैं, अगर एक्स पॉजिटिव है तो कोट इनवर्स वन बाय टेन इनवर्स वन बाय एक्स किसके बराबर होगा, कोट इनवर्स एक्स के। और अगर एक्स नेगेटिव है तो टेन इनवर्स वन बाय एक्स किसके बराबर होगा, प्लस पाई माइनस पाई, ठीक है। तो बस अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसको कोट इनवर्स एक्स रख देंगे और टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स क्या हो जाएगा, पाई बाय टू। और अगर एक्स नेगेटिव है तो इसको कोट इनवर्स एक्स माइनस पाई रख देंगे, तो टेन प्लस कोट इनवर्स तो बन जाएगा पाई बाय टू, माइनस पाई बन जाएगा माइनस पाई बाय टू। तो दो आंसर आएंगे बेटा, अगर पॉजिटिव है तो पाई बाय टू और नेगेटिव है तो माइनस पाई बाय टू, सही है। Yes, चलो अगला क्वेश्चन कर लिया किसी ने? सर जीरो सिग्मा अल्फा आई जीरो, यस सर। चलो इधर देखो, आप एक बात बताओ ये क्या लिखा है, सिग्मा का मतलब क्या है, कॉस इनवर्स अल्फा वन प्लस कॉस इनवर्स अल्फा टू टिल कॉस इनवर्स अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा है, इसकी तो औकात जीरो से बड़ी है हमेशा, तो सारे जीरो कब होंगे, सबका सम जीरो कब होगा, जब सारे जीरो होंगे, क्योंकि कोई नेगेटिव तो है ही नहीं ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जीरो बन जाए। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कॉस इनवर्स अल्फा वन इक्वल टू कॉस इनवर्स अल्फा टू इक्वल टू कॉस इनवर्स अल्फा एन इज इक्वल टू जीरो। और जीरो कब होगा, जब इनपुट क्या होगा, वन, मतलब अल्फा वन अल्फा टू ये सारे कितने हो गए, वन हो गए। अब ये सिग्मा अल्फा ये मतलब क्या हो गया, अल्फा वन प्लस अल्फा टू से लेके अल्फा एन, मतलब वन प्लस वन प्लस वन कितनी बार, एन बार, आंसर इज एन, सही है। यस सर। हाँ बेटा, जिसका जीरो आ रहा था उसको समझ में आ गया क्या गलती करी है? सर वो कॉस, यस सर। हाँ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को अगर हो तो बता देना, है ना, जूम इन करना है, जस्ट जूम इन, क्या अच्छा पहले की बात कर रहे हो। हाँ यार ये देख लो, सही है क्या, दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग बिलो इक्वेशन, इक्वेशन इज गिवन एज टेन इनवर्स के अंदर स्क्वेयर रूट है और स्क्वेयर रूट के अंदर है x इंटू एक्स प्लस वन, फिर प्लस साइन इनवर्स के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू पाई बाय टू। अब आप पहले तो ये सोचो, रूट की वजह से सबसे पहला अपना धर्म क्या बनता है, डोमेन निकालना। yes, तो यहां से हम बोलेंगे कि x इंटू एक्स प्लस वन को जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये वाला रूट डिफाइंड नहीं होगा, उसकी छाती में दर्द होने लग जाएगा, वरना इसको जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। yes, sir. अब इधर देखो, इधर अगर ये जीरो या जीरो से बड़ा हुआ, ध्यान से देखो, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है ये, एक्स को कॉमन लिया, एक्स प्लस वन प्लस वन और ये रूट। अब ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज अगर इसको जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए तब तो ये डिफाइंड होगा, लेकिन अगर ये जीरो से बड़ा हो गया तो ये क्वांटिटी किससे बड़ी हो जाएगी, वन से बड़ी हो जाएगी। yes, sir. और वन से बड़े का रूट क्या हो जाएगा, वन से बड़ा हो जाएगा। yes, sir. तो साइन इनवर्स के अंदर तो वन से बड़ा डिफाइंड ही नहीं है। yes, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये क्या हो जाए, एक्स इंटू एक्स प्लस वन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सही है। yes, sir.
तो डोमेन में दो ही वैल्यू है, जीरो और माइनस वन। अब इक्वेशन पे आओ, ये तो जीरो हो गया खत्म, ये जीरो हो गया, तो साइन इनवर्स वन इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई बाय टू। तो सही है इक्वेशन, तो सही है। yes. तो कितने सॉल्यूशन आए, अरे क्या हो गया बेटा, बोलो कितने सॉल्यूशन आए। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दो सॉल्यूशन आए ना बेटा, एक जीरो और एक माइनस वन। ठीक है, क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा था कौन सी वैल्यूज है, उसने पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज, तो इसका आंसर क्या दोगे आप, टू। क्लियर है? हाँ बेटा, ये चारों एग्जाम्पल सबको क्लियर है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं मिटा के कुछ और एग्जाम्पल्स लिखूं। चलो find